हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोल्ड की सेटिंग्स के बारे में और बताएंगे कि मोल्ड की सेटिंग्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड्स की, जो कि आमतौर पे काफ़ी लोग इसको गलत सेट करते हैं। इसमें देखते हैं ठीक से सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि हमें मोल्ड की सेटिंग करते वक्त सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो मोल्ड की सेफ्टी का कि मोल्ड हमारा डैमेज ना हो, उसके लिए ध्यान रखना है। दूसरा, आपको साइकिल टाइम जो है वो मिनिमम आना चाहिए हमारा, उसको भी ध्यान में रखना है कि साइकिल टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा ना आए। तो उसके लिए अभी देखते हैं सेटिंग कैसे करनी है अपने को। अभी अगर हम देखते हैं, अभी हमारा जो मोल्ड है अभी वो 587 पे हमारा मोल्ड अभी स्टैंड कर रहा है अभी। तो अभी हम जो भी सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से ही करेंगे। अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले पोजीशन जो डला है यहाँ पे 570 डला हुआ है पहली स्टेज के अंदर, और हमारा मोल्ड एक्चुअल अभी स्टैंड कर रहा है 587। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 mm का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मोल्ड स्टार्ट होएगा तो 15 mm जो है पहली स्टेज 15 mm के लिए काम करेगी, जिसके अंदर हम स्पीड भी कम रखेंगे और प्रेशर भी कम रखेंगे, जिससे कि हमारा जब भी मोल्ड स्टार्ट होएगा तो झटका ना आए अपने को। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा कभी भी मोल्ड जब भी स्टार्ट होए झटका नहीं आना चाहिए। तो पहला जो है स्टेप, जो है स्टेज हमारा, वो सिर्फ 15 mm स्टार्ट हुआ, उसके बाद डायरेक्ट हम फास्ट स्पीड पर ले जा सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर भी हमने ज़्यादा रखा है और स्पीड भी ज़्यादा रखी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा, जहाँ तक हम अब देखना ये है कि हमारा मोल्ड जो है वहाँ तक हिट ना करे, उससे पहले ही हमें स्लो डाउन करना है इसको। तो उसके लिए हमने सेट किया इसको 245 पे, और हमारा जो मोल्ड टच पोजीशन है वो है 154। तो ये हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने जो है करीब करीब 90 mm पहले हमने इसको स्लो डाउन किया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये दो स्टेप में स्लो डाउन किया गया है इसको। स्टेज थ्री के अंदर जो है उसकी 99 से स्पीड जो है हमने 15 कर दी है, और यहाँ पर प्रेशर भी हमने कम किया है, जिससे कि हमारा मोल्ड को नुकसान ना पहुँचे। और जब फाइनल टच होने से पहले हमने लो प्रेशर के अंदर सेटिंग जो की है वो 20 का हमने जैसे प्रेशर रखा है और 10 की स्पीड रखी। यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि हमारे को प्रेशर भी कम से कम हो और स्पीड भी कम से कम हो यहाँ पर। और जैसे ही अपना मोल्ड टच पोजिशन जैसे ही आएगी तो वहीं से सीधा ये अपना हाई प्रेशर पर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि डायरेक्ट जो है जैसे ही 154 आएगा सीक्वेंस में, वैसे ही ये हाई प्रेशर पे सीधा चला जाएगा और फुल लोड उस पर अप्लाई हो जाएगा जो भी आपने दिया है। ऐसे ही हम बात करेंगे ओपनिंग की। ओपनिंग की जो सेटिंग्स है वो कैसे करनी है। अभी जो हमारा जो मोल्ड है वो क्लोजिंग के टाइम में हमारा 154 पे है, और ओपनिंग हम जब करेंगे तो पहला वही स्टेज जो है मिनिमम लेंथ में स्लो करना है अपने को। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 154 से 160 तक जो है हमारा मोल्ड स्लो खुलेगा, उसके बाद 170 तक थोड़ा स्पीड हमने और बढ़ा दिया उसका, 10 mm थोड़ा सा और उसने स्पीड बढ़ा लिया, देन वो फुल स्पीड पे चला गया अप टू 500 mm तक, सीधा फास्ट स्पीड से ही आएगा वो। उसके बाद हम जब भी रोकना चाहेंगे उसको, हमें स्लो डाउन एकदम से स्लो नहीं करना उसको, तो दो स्टेप में ही स्लो किया हुआ उसको। तो यहाँ पे 500 से लेके 550 के बीच में ये आएगा 50% की स्पीड से, और उसके बाद 30 mm का जो डिस्टेंस रहेगा उसके अंदर 20 mm की स्पीड, 20% की स्पीड आपकी हो जाएगी यहाँ पे, जिससे कि बिल्कुल मोल्ड जो है स्लोली स्मूथ रुकना चाहिए, कोई झटका नहीं लगना चाहिए उसके अंदर रुकते वक्त, ना ही रुकते वक्त झटका लगना चाहिए और ना ही क्लोजिंग के वक्त झटका लगना चाहिए, और एंड भी जो है हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई भी टकराव की आवाज़ नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। अभी देखते हैं कि कुछ लोग गलत सेटिंग कैसे करते हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो है प्रेशर भी ज़्यादा रखा हुआ है, स्पीड भी ज़्यादा रखी हुई है, इससे क्या होगा कि मशीन में जब भी स्टार्ट होगी झटके से स्टार्ट होगी और मशीन में वाइब्रेशंस आएंगी, उससे मशीन को नुकसान होता है। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ भी 99 स्पीड है, यहाँ भी 99 स्पीड है, ठीक है, उससे क्या है, स्टेज का, दो स्टेज का कोई मीनिंग ही नहीं रहा यहाँ पे। उसके बाद ये स्लो डाउन किया गया है,
ठीक है। अभी अगर हम ओपनिंग को देखते हैं तो यहाँ पे भी देखो फुल स्पीड रखा हुआ है। इस तरह से नॉर्मली स्पीड जो है ना ये गलत सेट होती हैं, यहाँ भी 99 99 99, इस तरह से मशीन तो चलेगी मगर पूरी मशीन में झटके लगते रहेंगे और स्मूथ नहीं चलेगी मशीन। अभी रुकने का भी अगर देखेंगे तो आपके क्लोजिंग का यहाँ पर अगर सेटिंग देखते हैं हम, यहाँ पर 600 रखा हुआ है जबकि मोड का हमारा ओपनिंग एंड पोजिशन आ रहा है 587। तो इससे क्या होगा कि ये जो पोजिशन है, ये स्टेज है, ये हमारी सीक्वेंस में ही नहीं आएगी, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होएगा स्टेज टू से ही, बिकॉज हमारा मोड जो है 587 पे ओपनिंग लास्ट पोजिशन है उसकी। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे ये स्टेज बाईपास हो जाएगी और यहाँ इस स्टेज से एक वर्क स्टार्ट करेगा अपना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सभी स्टेज वर्किंग में आनी चाहिए। अब इसको ग्राफ के जरिए समझते हैं। इसको जैसे ये 587 से यहाँ स्टार्ट किया हमने और पहली स्टेज की हमने स्पीड रखी थी 40%, तो सीधा ये 40% पे जाएगा और जस्ट 5-7 mm ही स्लो चलेगा, उसके बाद सीधा 99 की स्पीड से जाएगा और मोल टच होने से पहले ही इसको स्लो डाउन करके यहाँ पे 15 की स्पीड पे ले आए, 15 से थोड़ा सा 15 चला उसके बाद और स्पीड कम करके 10 की स्पीड पे ले आए इसको, जिससे कि मोल टच होते वक्त जो है हमारा बिल्कुल स्लोली टच होए उसके ऊपर। और हमारे को टाइम का पूरा ध्यान रखना कि हमारा टाइम भी कम से कम लगना चाहिए, कम से कम टाइम में और स्मूथ ऑपरेशन होने चाहिए मशीन के। ये एक दूसरी और सेटिंग है जिसके अंदर ग्राफ से दिखाया गया है कि यहाँ पे क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा हमने पहले ही स्लो कर दिया, जिससे कई बार क्या होता है कि आपके जो मोल्ड्स हैं वो एंगल पिन्स वाले होते हैं, तो वो वहाँ पे दूर से एंगल पिन में एंटर होने से पहले ही स्लो डाउन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें को लंबा भी स्लो चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने काफ़ी लंबा स्लो चलाया है, उसके बाद स्लो डाउन करके तब बंद किया गया। तो हमारे को ये देखना है कि हमारे जो मोल्ड हैं उसका डिज़ाइन कैसा है। अगर फ्लैट है तो आप डायरेक्टली सीधा फेस तक फास्ट ले जा सकते हैं, उसके बाद स्लो डाउन कर दें, थोड़ा सा एरिया में स्लो डाउन करेंगे तो तुरंत काम चल जाएगा उससे। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे टाइम के बारे में, टाइम की जो सेटिंग्स हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर लो प्रेशर टाइम जो है हमने यहाँ पर 5 सेकेंड रखा हुआ है एंड हाई प्रेशर टाइम 9 सेकेंड रखा हुआ है, जो कि हमें ज़्यादा टाइम रखने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारा एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, उसके बाद ही हमें एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा प्लस टाइम करके हमें उसको सेट करना होता है। अब यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर 1.1 सेकेंड लग रहा है मगर सेट किया हुआ 9 सेकेंड, जबकि हमें सेट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, एक्चुअल टाइम जो है 0.212 सेकेंड था, तो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है 0.25 टाइम, और दूसरा जो है हाई प्रेशर टाइम जो है 0.1 1.115, उसकी जगह सेट किया हमने 1.25। ये हमारा राइट सेटिंग है ये। तो हमें ध्यान रखना है कि टाइम भी हमारा ज़्यादा ना हो, ज़्यादा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान ही रहता है उसका।